किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जल्द जारी हो सकती है। हालांकि इस किस्त को प्राप्त करने से पहले जिन किसानों ने अभी तक EKYC नहीं करवाई है, उन्हें यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करनी होगी। भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को सालाना 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक इस योजना की 17 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और 18वीं किस्त किसानों को बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल अक्टूबर में 18वीं किस्त जारी होने की संभावना है, लेकिन ध्यान रहे EKYC प्रक्रिया पूरी किए बिना यह किस्त किसानों के खाते में नहीं पहुंचेगी। आइए जानते हैं EKYC प्रक्रिया कैसे करें पूरी। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के दाहिने तरफ EKYC का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको आधार नंबर दर्ज करना होगा। आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी EKYC प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार का यह कदम सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचे, इसलिए सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि वे समय रहते EKYC प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि उन्हें योजना का लाभ समय पर मिल सके।